मेहमानों रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्बास राय और आप देख रहे हैं स्कोप 360। और बकरा ईद, आपको पता है लाहौर के अंदर बेशुमार जानवर आते हैं, जिसमें बकरे भी होते हैं, छतरे भी होते हैं, भैंसें भी होती हैं, बछड़े भी होते हैं और पूरा लाहौर यहाँ से ख़रीदारी करता है। ये बहुत बड़ी मंडी है। आज हम लोगों से बात करेंगे, महंगाई के हवाले से लोगों से पूछेंगे कि महंगाई क्या पिछले साल से ज़्यादा है और बकरा कितने का कम अज़ कम मिल रहा है और गाय कितने की मिल रही है, बछड़ा कितने का मिल रहा है। सो आइए मेरे साथ कुछ लोगों से बात करते हैं। एक बुज़ुर्ग मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? वसीम अथब राना। वसीम साहब, ये बताएं कि पहले भी महंगाई होती थी लेकिन इस दफ़ा सुना है बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो आप मुझे बताएं कि आजकल कम अज़ कम कितने का बकरा या बछड़ा मिल रहा है? सर जी, बछड़ा पिछले साल लाख रुपये का था ना, इस वक्त 2.25 लाख का मिल रहा है। जो बकरा था 70,000 का, वो 1.25 लाख का मिल रहा है। अच्छा। इससे कम नहीं मिल रहा, वो इसलिए नहीं मिल रहा, महंगाई तो नहीं है। महंगाई की वजह क्या है? महंगाई यही वजह है, चारा उनको महंगा डाला और सारा चीज़ उन्होंने खाना और अपना किराया वगैरह सारा डाल डूल के उन्होंने सारी बात महंगा करना है उन्होंने सामान। आप यहाँ पे कोई बकरा छतरा लेने आए या बेचने आए हुए? लेने, हम मुझे तकरीबन 6 घंटे हो गए फिर रहा हूँ, मुझे अभी जेन कोई भर नहीं रहा, इतना महंगाई हो गई। बेटा ये बताएं कि आप लोग क्या लेने के लिए आए, क्या पसंद है? बकरे लेने के लिए आए हैं। अच्छा, सब ने एक एक बकरा लेना है या किसी ने कोई गाय, कोई बछड़ा, कुछ और चीज़ भी लेनी? गाय भी लेनी है। अच्छा, गाय भी लेनी है और बकरा भी लेना। आपने क्या लेना है? बकरा। अच्छा, आप भी बकरा लेंगे। और आप? बकरा जी, खरीदने आए हैं, बट रेट देख के जो है वो शौक हो गए हैं। तो फिर ऐसा करें, कुकड़ी खरीद लें कोई। किधर? आज ही तो फारिग हुई है कुकड़ी। अच्छा, कुकड़ी फारिग होता है, अगर कुकड़ी कल फिर आएगी, फिर अल्लाह बेहतर करे, अच्छी की उम्मीद रखें। अच्छा, आपने कितने बकरे लिए हैं? अपने वजन से कम लिए हैं कि ज्यादा? मिले नहीं असल में। आप माशाल्लाह शेरों जैसे जवान हैं, आपको कोई बहुत बड़ा यहाँ पे ना बछड़ा लेना चाहिए। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला ने अगर तौफीक दी तो लाजमी लेंगे। बहुत महंगी मोटो सोच तो बाले शामन दे आए हो यहाँ, तो कोई नहीं पैसे का वादू मांगते ने, छोटा लेना या बच्चा लेना है। वो तो मेरे ख्याल ज्यादा महंगे होंगे। बस जेड़े मुकद्दर ले लेना। बकरा लेने आए हैं, कुर्बानी का जानवर। अच्छा, तो क्या कीमतें बता रहे हैं? कीमत आसमानों पे पहुंची हुई है, बहुत ज्यादा रेट है। तो फिर कुकड़ी ले लो। कुकड़ी की तो कुर्बानी नहीं ना होती, महंगाई है इसके साथ जो है ना, मौजूदा जो महंगाई हो गई है, इधर भी महंगाई की सूरत हाल है। अब अल्लाह मालिक है, कुर्बानियाँ तो आखिर करनी है। अब तो आप क्या लेने आए हुए हैं और आपको कैसा लग रहा है, महंगाई है कि नहीं है? जस्ट अभी तो विजिट पे आए हुए हैं और बच्चों को शौक होता है, आपको पता है ईद के दिनों में मार्केट में जाने का, तो बस उस लिए आए हुए हैं। और ये मुख्तलिफ एनिमल्स डिफरेंट, उनको देख के खुश हो रहे हैं बच्चे। बच्चों की फरमाइश क्या है कि बकरा लेना है, बछड़ा लेना है, गाय लेनी, क्या लेना है बताइए? बकरा। बकरा लेना है, कितने कितने वाला? पैसों का तो पापा को ही पता होगा। हाँ। अच्छा, आपने क्या लेना है? मुझे भी गोट का शौक है। अच्छा जी, आपको बकरों का शौक है जी? क्या गोट का शौक है? दोनों। अच्छा, गोट का और बकरे का फर्क क्या होता है? गोट इंग्लिश में होता है, बकरा उर्दू में। तो एदा वजन कितना है ते दी, तुसी कीमत कितनी मांग रहे हो? वजन एदा मान तो होता ही है जी। एक मान तो होता है, तो कितनी कीमत? एदे 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया दी कीमत मांगते? लोगों ने कितने पैसे लाए थे? 1.10। अच्छा, जिन्नी महंगाई जा रही है तो मैंने तो लगता है इस दफा लोगों ने कुकड़ियाँ ही सिबा करनी है। लगता है वही, लगता है वही। कुकड़ी का पता है ना कि इस दफा मैं लग रहा है कुकड़ी सिबा होगी, बकरा या छतरा सिबा नहीं होना। मुछाले भाई की ना तेरा? असलम। असलम कड़ी जगह तो आए हैं? अच्छा, तू नेड़ू ही आया फिर, तो मैं दस के जो खूबसूरत जहाँ बकरा है तेरे को, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसकी प्राइस कितनी, कीमत कितनी है? 1,05,000। देना किन्ने का? अगर मैं लेना हो तो किन्ने का देंगा? 80,000 का। अच्छा, 25,000 रुपये मैंने डिस्काउंट कर देना है? हाँ जी। वो की वजह है सर, किसी को पूरे पैसे मंगिए कोई देंदा ही नहीं होगा। अच्छा। किसी जो होने को पता है साड़ी आवाम जी, तुम यदा कहोगे ना 50,000, तो लोगों ने कहना नहीं इंज करो 40,000 ले लो। नहीं, इस तरह नहीं कहते, लोग कहते ने भाई जान, कहते 25,000 ले लो ए। हाँ जी, वो कहते फिर 25 ले लो। वैसे अगर असं उन्होंने को 40,000 मांगने हैं ना, वो कहते 15,000 ले लो, 20,000 ले लो, बस। की वजह की लोग इंज क्यों कहते? वो दो अद्ध का ही फर्क पा देंगे। अच्छा चल, मैं 40,000 दे, मैं ले लें। नहीं याद नहीं ना 40,000 तुमने गल की थी। भाई जान, तुम ये दसो कि इन्ने खूबसूरत तुम ये दांत कितों लेके आए हो? ये राजनपुर तो लेके आए हो। अच्छा माशाल्लाह, तो ये राजनपुर तो किन्ने के दांत लेके आए हो? ये 9 दांत लेके आए। तो हूँ तक किन्ने विके ने? कोई नहीं विकिया अजे। तो कीमत की ने इन्हों दी? कीमत इन्हों की 14 लाख 15 लाख। एक दी? एक दी। अच्छा, तो इन्हों खवाते की हो कि इन्वेस्टमेंट किन्नी हुई थोड़ी एक जानवर के उत्ते? ये हुई है
तीन चार लाख रुपया हुई है। तीन चार लाख इन्वेस्टमेंट है हो गई है तो तुम 14 लाख मांग रहे हो। 5 लाख का ये छोटा बच्चा लेके आए थे। छोटा बच्चा 5 लाख का? इतना इतना। अच्छा इतना तो नहीं महंगा होता यार? बहुत महंगा है। नहीं 50-60 हज़ार का मिल जाता? नहीं मिलता। पक्की बात है? पक्की बात है। तो अभी कितने दिन हो गए जब लेके आए? 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से आपका एक भी नहीं बिका? नहीं बिका। तो हुकूमत पाकिस्तान को क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहेंगे भाई माल का खर्चा नहीं पूरा होता। पूरा नहीं होता, पूरा नहीं हो रहा, तो फिर लोगों को कहने फिर तुझे कुकड़ी को ले जाओ। कुकड़ी है जिते 4 लाख का जानवर है उत्थे 1 लाख रुपया लाते हैं। तो आपको पता कुकड़ी किनू कहते हैं? किनू कह दसो किनू कहते हैं? आज लेने के लिए तो वेड़ा आए हैं, बड़ा जानवर लेने के लिए आए हैं, और अभी तो घंटा हुआ है मंडी में पहुंचे हैं, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है। एक घंटे से आप सर्च कर रहे हैं? एक घंटे से तकरीबन सर्च कर रहे हैं। क्या रेट बता रहे हैं? रेट जिस जानवर का तकरीबन पिछली दफा 1.5-2 लाख था उसका ऑलमोस्ट डबल हो गया, उसका तकरीबन 4.5-4.25 के करीब मांग रहा है। तो क्या वजह महंगाई की इस दफा इतनी महंगाई क्यों है? इस दफा महंगाई सबसे पहले तो आपको पता है जैसे डॉलर बढ़ता है आपकी बेसिक जो ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं सारी बढ़ जाती हैं, तो इन लोगों के साथ भी पेट लगा हुआ है। इन लोगों का ने पूरी जो आज इन दिनों में कमाई करते हैं पूरा साल चलानी होती हैं, तो इसी वजह से इन्होंने भी कीमतें अपनी सब ने बढ़ा दी हैं अपनी। ये बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन ये था हमारा आज का मंडी में हमने प्रोग्राम किया, और ये स्पेशल एपिसोड था जो कि कुर्बानी के हवाले से आपने लोगों के रिमार्क्स सुने, लोगों की बातें सुनी, कुछ बेचने वाले थे कुछ लेने वाले थे, और बहुत ही खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद थे। जाते जाते सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग कुर्बानी नहीं ले सकते, जो लोग मुफलिस हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग नादार हैं, आपने उनका लाजमी ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।